चंदन सिंह नाम का एक शख्स केरल से हिमाचल पहुंचा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हम आपको बता दें कि बड़ी बात है इस शख्स का व्हीलचेयर पर केरल से हिमाचल पहुंचना। चंदन सिंह नाम का यह शख्स पूरे देश को व्हीलचेयर की मदद से नाप रहा है। जहां थक जाता है वहां आराम कर लेता है। के चैनल की टीम को यह शख्स हनोगी माता मंदिर के पास मिला। यहां ये शख्स बाबा बालकनाथ मंदिर से मणिकर्ण जाने की तैयारी में था। चंदन सिंह नाम का यह शख्स दावा कर रहा है कि यह हजारों किलोमीटर का सफर सिर्फ एक व्हीलचेयर पर करके हिमाचल पहुंच चुका है। जब इनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि इन्हें स्पाइनल डिसऑर्डर है और ये जगह जगह मंदिरों में वे इसे ठीक करने की प्रार्थना करते हैं। मैं केरल से आया हजूर साहब से मैं पैदल चलना स्टार्ट किया रोड बाई रोड। दिल्ली आया, दिल्ली गुरुद्वारा में रुके। मैं उधर से दिल्ली से अम्बाला आ गया, अम्बाला से फतेहगढ़ साहिब गए, फतेहगढ़ साहिब से नंदपुर गए, नंदपुर से नंगल डैम आए, नंगल डैम से ऊना आए, ऊना से पीर बाबा गए, पीर बाबा से ऊपर बाबा बालकनाथ गए, बालकनाथ से इधर आए। अभी मंदिर में 2 दिन हो गए, अब इधर से ऊपर जा रहे हैं मणिकर्ण साहिब। धीरे धीरे धक्का मारते, जहाँ पे धक्का ताकत ख़त्म होती वहीं पे बैठ जाते हैं, वहीं पे सो लेते हैं, कोई गलत नहीं। ऊपर जाने के लिए धीरे धीरे चल रहे हैं, बस में गया तो मुझे कुछ फ़ायदा नहीं होगा ऊपर जाके, इसलिए मैं सोचा थोड़ा कष्ट करके जाएगा तो ऊपर वाला सोचेगा कुछ मेरे लिए, क्योंकि मेरा स्पाइनल टूटा है L1।